नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसियों में घमासान शुरू हो गया। इस घमासान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को हराने में कांग्रेस का ही बड़ा हाथ रहा है। हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट अब आमने सामने आ गए हैं, जहां हरीश रावत की उस फेसबुक पोस्ट से बवाल मचा हुआ है जिसमें उन्होंने कांग्रेस छाप दुष्प्रचारकों के भंडाफोड़ करने की बात कही है। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान पर कांग्रेस नेता अकील अहमद ने भी अब जिद पकड़ ली है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर ही रहेंगे। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी, मेरा पर्चा जो है, मैं मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है, तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान एससी एसटी सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितने यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, स्कूल हैं, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहता कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो, जो लोग मेरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरेवान में जाकर देखे कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे और जिसमें जो है पैसा लिया गया। मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसमें बहुत बड़ी जो है लीडरशिप है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो है आपस में जो है ये बयान आ भी चुके हैं एक दूसरे के, मैं कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए भाई किसने पैसा लिया। तो जितनी पूरी कमेटी, स्क्रीन कमेटी हमारी थी, जो हमारी जो टिकट बांटने का काम कर रही थी, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस जो है मुझे मेरा सहयोग नहीं करेगी, मैं मांग कर चुका और ये बात जो है मांग पूरे देश में फैल चुकी, अगर कांग्रेस मेरा सहयोग करेगी इसमें तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं व्यक्तिगत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पे नींव रखूंगा उत्तराखंड के अंदर। से जरूरत पड़ी तो मैं हरिद्वार से जो है इलेक्शन लड़ूंगा अगर यहाँ की जनता मुझे चाहेगी तो। भले ही हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से बच रहे हों, लेकिन उनका एक बयान आजकल खूब वायरल हो रहा है जिसमें हरीश रावत कह रहे हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ते तो जीत जाते क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर उनको ही वोट करते। मैं तो रामनगर से लड़ सकता हूँ क्योंकि रामनगर में समीकरण 100% मेरे फेवर में थे। वहाँ 20-22 हज़ार से ज़्यादा मुस्लिम वोट था और मुस्लिम वोटों का मैं जानता था इस बार, वो सब लोग हमको और मुझको तो वैसे भी वो बेचारे देंगे मुझे मालूम था और मालधन इत्यादि की पल्स मैंने मालूम कर ली थी। मैं गया था तो मालधन और हमारा जो शिल्पकार वर्ग था वो पूरी तरीके से मेरे कमिटमेंट में था, तो मुझे 4-1 हज़ार वोटों की और ज़रूरत थी मतलब जीतने के लिए। ओ ना, वो तो मेरी रिश्तेदारी है वहाँ, वो मेरा भी तो घर है ना, मेरे घर के शीर्ष पर ना, मेरा गांव जो है रामनगर के एक प्रकार से शीर्ष पर ही, वहीं से होकर के आते हैं इधर की तरफ को या नीचे से ऊपर, और फिर मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। मेरा निरंतर संपर्क रहा है रामनगर से। ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ लोग कह दे रहे हैं कि किसी ने खेत सजाया 5 साल, अरे 5 साल और नहीं सजाया, मैं भी तो जाता आता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ कमिटेड तरीके से लोग थे वो भी थे। देखो संजय नेगी 16 कितने वोट ले आए, कुछ शायद 14-15 हज़ार जो भी वोट लाए निर्दलीय लड़ करके, तो इसका अर्थ यह है कि मेरा गणित सीट के विषय में गलत नहीं था, लेकिन पार्टी की सामूहिक फैसले को मानना पड़ता है। कांग्रेस में चल रहे इन विवादों से कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी भौंचक्का है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच संबंधों की जो खाई है वो अब गहरी होती जा रही है। सभी एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने से भी नहीं चूक रहे हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता भी चाहते हैं कि ये अंदरूनी जो लड़ाई है वो अब बंद हो जाए और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता के मुद्दे उठाती रहे। जैसा कि आप सबको पता है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक बड़े नेता को यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रत्येक पार्टियों में देखा जाता है कि चुनाव के बाद इस तरीके के बयान होते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं, लेकिन इन सबको भूलकर मैं सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि मजबूती से जो विपक्ष का काम इस प्रदेश की जनता ने हमें दिया है, सदन से लेकर सड़क तक उनकी आवाज़ उठाने का काम हम सब मिलकर करें। जो युवा कांग्रेसी
निरंतर पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन सब से भी कहना चाहता हूं कि सब बातों को छोड़कर वो जन मुद्दों पर दोबारा से सड़क पर लग जाइए। जनता ने जो हमें विपक्ष में बिठाने का काम किया है, अपनी जिम्मेदारी को हमें अच्छे से निभाना पड़ेगा। और मेरा आग्रह है सभी नेताओं से नेतृत्व से भी, युवा कांग्रेस के नेताओं से भी, आपसी मनमुटाव छोड़कर इस समय प्रदेश के युवा को, प्रदेश के हर वर्ग को हमारी आवश्यकता है। हमें मजबूती से इस प्रदेश के लिए लड़ना होगा और भाजपा को 2024 में घर बिठाने का काम करना होगा। साथ ही अब प्रीतम गुट से जुड़े गिरीश पुनेठा ने हरीश रावत को भस्मासुर बताकर नया विवाद भी खड़ा कर दिया। जो पुनेठा हैं वो अपनी फेसबुक वॉल पर लिखते हैं कि हरीश रावत कांग्रेस को खत्म करने वाले भस्मासुर हैं। वहीं आगे तल्ख टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो घर बैठूंगा। कौन बना मुख्यमंत्री और कौन बैठा घर? फलानी यूनिवर्सिटी का दांव थाली में परोसकर भारतीय जनता पार्टी को देने वाला कौन है? किसने टिकटों को बेचा है? इस तरह के तमाम आरोप जो है गिरीश, जो पूर्व सीएम है हरीश रावत, उन पर लगा रहे। कुल मिलाकर हरीश रावत को सोशल मीडिया पर जमकर कोसा जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान का अंत क्या है? क्या हरीश रावत की राजनीति से संन्यास लेने के बाद कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, या कांग्रेस को एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता होगी? देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक ले नमस्कार।